में मौला अली ना होंदे ते ज़ाहरा पाक दा कोई हमसर नहीं सी। इसे तरह कोई गैर सैयद सैयद ज़ादिया दा हमसर नहीं। सैयद दादी की शादी गैर सैयद से नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं उलमा, अपने उलमा के मुताबिक, ये जिस दिन से हौजे में जाते हैं दीन में झूठ बोलना ये सीख जाते हैं। ज़ेरे बहस आ गए कि आया हाशमी औरत का निकाह गैर हाशमी नाल जायज है या ना जायज। सादा लफ्ज में कुछ समझो कि सैयद जादी का निकाह गैर सैयद नाल जायज है या ना जायज। चुनाचे इसे हजरत उमर दे हजरत अली की बेटी नाल निकाह को बतौर दलील दे उन्हें पेश की थे और इस दे नाल त्रै चार मिसाला होर भी पेश की थे ने जिरा तोरे सुनन दे काबिल है। पूरी तवज्जो करा है, मैं जिगर कट के समंदर दी गहराई चो मोती कट के पेश किया करे ना। सुन सो तो फायदा थी वैसी, इस मेरी किताब का हवाला मौजूद है तो मिल वैसी। उन्हें फुकहा ने इमामी मुज्तहदीन ने अपनी इस किताब के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बेटी ना हजरत उमर के निकाह को दलील के तौर पर बढ़ा के पीछे मसले को अखज किया, मसला बयान किया। ए आदल सैयद सादी का निकाह गैर सैयद नाल भी जायज है। उच्चने दलील उन्हें के पहली दलील ये है कि पाक पैगंबर ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी अबुल आस नाल की थी है। ज़ैनब सैयद ज़ादी है, अबुल आस ए सैयद ज़ादा ना हा, हाशमी भी ना हा। अगर पैगंबर की बेटी नाल गैर सैयद का निकाह जायज है तो सदा क्यों ना जायज है। गल समझ आई? तो यह भी साबित हो गया कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इसके अलावा पैगंबर का बेटा हन बेटा हन तो पैगंबर बेटी की शादी पे करे जिस दना बीबी ज़ैनब है। इतो साबित थी गया कि नबी की बेटी एक नहीं पैगंबर का बेटा चार कितना कितना मैं कैलेंडर के अंदर लिख रही थे अल्लाह का वास्ता ही सुनियो बेदार थियो इको लेके फ्रेम करा के घर विच मकान इक दुकान इक मस्जिद इक बैठक हर जगह ते लग लगा दो दुनिया को दसा दो पता लग वने अल्लाह के कुरान च नबी जा बेटा चार हजरत नबी दे फरमान च नबी जा बेटा चार अली दे फरमान च नबी जा बेटा चार इमाम मोहम्मद बाकर दे फरमान च नबी जा बेटा चार हजरत जाफर सादिक दे फरमान च नबी जा बेटा चार। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी पैगंबर ने अबुल आस नाल की। अबुल आस कौन है? सैयदा खदीजतुल कुबरा दा सक्का भांजा है। रिश्ता याद रासी मिसाला पेश किया करें दे सैयद जादी का निकाह गैर सैयद नाल जायज है। पहली पहली दलील पेश की थी ऐसे हजरत अबी ने ज़ैनब की शादी अबुल आस नाल की थी। दूसरा दूसरी मिसाल कर दे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी उस्मान नाल की थी। नबी दी थी तो सैयद दादी है, उस्मान तो सैयद दादा कोई ना, ये निकाह जायज है तो सादा कि ना जायज है। त्रीजी मिसाल पेश की तवज्जो करो, त्रीजी मिसाल पेश किया करें हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम की शादी की थी तो उमर नाल की थी। अली दी थी तो सैयद दादी है, उमर तो सैयद दादा का ही नहीं। अली को मसले का पता कहे ना जो मैं बेटी गैर सैयद को न देवा। अगर अली बेटी दे 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 इतना मालूम थी दे कि निकाह बिल्कुल जायज है। कितना मिसाला थी गल? चौथी कड़ी आ गई। वाह वे मारी ले थोड़ी चस कोई नहीं तो को गिनती नहीं आनी, पैसे जुड़ते हुए तो नहीं वे भूल दे। कितना मिसाला हो गया? पहली मिसाल पैगंबर ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी अबुल आस नाल फरमाई। दूसरी मिसाल पैगंबर ने अपनी बेटे की शादी जनाब उस्मान नाल फरमाई। तीसरी मिसाल जनाब अली ने अपनी शहजादी की शादी हजरत उमर नाल फरमाई है। कितना मिसाल हो गए? ठीक है बोलो यार, तेरे पीछे बैठने की आवाज नहीं पी आनी। कितना मिसाल हो गए? चौथी मिसाल कई खरब रुपए का एक हवाला है पेश कर रहे, हवाला मैं नकल कर दी तेरी पेश कर दू। हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी सैयदा सुकैना की शादी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे नाल थी। जेको बीबी सकीना आदे हो इशो दी जड़ी बाबे दे कठे करबला गई है आहले बैत दी शान खराब बयान करेगा। ये सैयदा सुकैना रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इमाम हुसैन की शहजादी है, हजरत जदू बेजान एक दना फातिमा हा बी दना सुकैना हा बीबी सुकैना की शादी हजरत सिद्दीक के नवासे नाल थी। उन्होंने आए मुसा बिबरे जुबैर
आदे हुसैन की थी शहजादी का निकाह गैर सैयद नाल थे ए जायजे ते सादा की मैं नजर तो मालूम थी दे कि ए वो गहरा कराबता है इन्हें बड़ा गहरा ताल्लुक है इन्हें भी बड़ी गहरी रिश्तेदारी है ये लोग चुप हैं ना हकीकत नहीं दसे दे नबी अलैह सलाम अगर सुसरन तो उस्मान दामादन अगर पैगंबर सुसरन तो अली दामादन अगर सिद्दीक सुसरे तो सुनह नबी दामादे अगर उमर सुसरे तो सुनह नबी दामादे अगर पैगंबर पहनो ये तो अमीर मुआविया साला है सच्चे